मैं कहती हूँ महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान 10 फरवरी को होना है। इस चरण में वेस्ट यूपी के ज्यादा जिलों में मतदान होना है और इसके लिए सभी सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। हालांकि इस बार मुख्य मुकाबला सपा बीजेपी के बीच ही देखने को मिल रहा है, जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से पीएम मोदी, सीएम योगी समेत सभी बड़े नेताओं ने वेस्ट यूपी में अपनी ताबड़तोड़ प्रचार के जरिए पार्टी के लिए माहौल बनाने की कोशिश की है। तो वहीं सपा गठबंधन से अखिलेश और जयंत की जोड़ी बीजेपी पर लगातार हमलावर होती नजर आ रही है। अखिलेश रोजगार, बिजली और महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट को, फिर करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान 10 फरवरी को होना है। इस चरण में वेस्ट यूपी के ज्यादा जिलों में मतदान होना है और इसके लिए सभी सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में आज सभी सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। सभी सियासी दलों के बड़े नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। जहां भाजपा ने पीएम मोदी और सीएम ने कमान संभाली, तो वहीं सपा गठबंधन से अखिलेश जयंत ने चुनाव रण क्षेत्र में बीजेपी पर जमकर वार किया। आपको बता दें कि बिजनौर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले की सरकार दंगा और कर्फ्यू लगाने का काम करती थी, लेकिन अब भाजपा सरकार में हर वर्ग के लोग सुरक्षित हैं। सीएम योगी ने कहा कि हमने 5 साल में माहौल सुधार दिया है। उन्होंने कहा कि अब अपराधी तख्ती गले में डालकर भीख मांगते नजर आते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, व्यापारी प्लान कर रहा था और गुंडागर्दी चरम पर थी। वह गुंडागिर्दी कहीं और से नहीं, सत्ता प्रायोजित गुंडागिर्दी से यहां का हर व्यक्ति त्रस्त था। भाइयों बहनों, 5 साल में आपने देखा होगा, 5 साल में कोई दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने का कार्य हुआ और इन 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे, उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि माफिया ये अपराधी, पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, तब ये दो लड़कों की जोड़ी, भाइयों बहनों, ये दो लड़कों की जोड़ी तब गायब थी। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था और दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहा था। आपने देखा होगा ना, आज ये दंगाई कहां चले गए? आज इनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगा करेंगे तो दंगे की गर्मी को चंद मिनटों में उतार करके रख दी जाएगी। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, जो लोग आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, आज समय आ गया है
अपने वोट की कीमत से उन चेहरों पर तमाचा मारिए और बोलिए ये मोदी वैक्सीन और ये बीजेपी वैक्सीन ने ही हमारी जान को बचाया है इस महामारी में। वहीं पीएम मोदी का बिजनौर दौरा मौसम खराब की वजह से रद्द हो गया। पीएम मोदी ने वर्चुअल ही रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी में भाई भतीजावाद नहीं है। जब किसी को पीएम आवास दिया जाता है तो उसकी जाति नहीं पूछी जाती। सपा और आरएलडी पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जाति के नाम पर वोट मांगने वाले लोग सिर्फ अपने परिवार का भला करते हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में, उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवीय की विकास की प्यास से, प्रगति की प्यास से, गरीबी से मुक्त होने की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपने करीबियों की प्यास बुझाते रहे और अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे, बस अपना स्वार्थ सोचने वाली यही प्यास विकास की नदी के हर बहाव को सोख ले। वहीं अगर बात सपा गठबंधन की करें तो अखिलेश ने चुन चुन कर सरकार पर हमले किए। दरअसल सपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए अखिलेश ने किसानों, कारोबारियों और कारीगरों से वादों के पिटारे खोल। इस दौरान अखिलेश ने सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार यूपी में बदलाव की हवा चल रही है, इस बार उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये यूपी के भविष्य का चुनाव है, भाजपा अपनी उपलब्धियां नहीं बताना चाहती है, वो सिर्फ झूठ की राजनीति कर रहे हैं। उनका जितना बड़ा नेता होता है वह उतना ही बड़ा झूठ बोलता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का झूठ फैला रही है, इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अगर छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, अगर बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है। अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि जो पैसा निकला था वो समाजवादियों का था, इत्र व्यापारी वाला, इससे बड़ा झूठ क्या और हो सकता है। जब देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग झूठ बोल रहे हों, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, इधर तो मैं किसी पत्रकार साथी को ईमानदार भी नहीं बोल सकता, अगर मैं ईमानदार बोल दूं तो हो सकता झगड़ा हो जाए। मुझे खुशी है इस बात की, हाल ही में बीबीसी ने एक फैक्ट चेक किया कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं क्या ये सच बोल रहे हैं। हम और आप सरकार के आंकड़ों पर भरोसा करते हैं, सरकार के अपने विभाग पर, जो एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है वो कुछ और तस्वीर दिखाता है। इसीलिए मैं खुशी है इस बात की कि बीबीसी ने अभी हाल ही में एक स्टोरी की और उसमें पूरे फैक्ट चेक कर करके बताए कि आखिरकार कानून व्यवस्था कहाँ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। आज देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएँ अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में, जो महिला कमीशन को सबसे ज़्यादा शिकायतें अगर देश में कहीं से आई हैं तो उत्तर प्रदेश से आई हैं। तो पश्चिम का जो पारा है वो चढ़ता जा रहा है। आज हम सीधा सवाल में ही बात करेंगे कि आखिर क्यों पश्चिम का जो पारा है वो चढ़ता जा रहा है। पीएम हो, सीएम हो, अखिलेश हो, जयंत हो, सबके सब किसानों को अपनी ओर करने की कोशिश में बयानबाजी कर रहे हैं। सीएम योगी हैं, वो कहते हैं पहले कर्फ्यू लगता था, अब कांवड़ यात्रा होती है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की जाती है। बीजेपी प्लस और समाजवादी पार्टी प्लस में एक युद्ध सा छिड़ा हुआ है और ये युद्ध क्यों ना हो, क्योंकि पहले चरण में जो वोटिंग होनी है उसके 11 जिले में जो 58 सीटें हैं
उस पे वोटिंग होनी है। और 11 ज़िले जो हैं वो पश्चिम से ही आते हैं, लगभग 30 ज़िले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में 58 ज़िलों में हर एक अपनी पैठ बनाना चाहेगा। अगर 2017 की बात की जाए तो अकेले 53 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में गई थी। एक बहुत बड़ा जो 58 में से 53 सीटें थी, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप में। 2 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को, 2 मिली थी बसपा को, और 1 सीट जो थी वो आरएलडी के खाते में गई थी। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमने एक खास पैनल बुलाया है। हमारे पैनल में जो लोग मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ करवा दूं। समाजवादी पार्टी से अभिषेक गुप्ता है, आपका स्वागत है अभिषेक। बीजेपी की बात की जाए तो रचित पाठक है हमारे साथ। रचित, आपका भी स्वागत है जेएमडी न्यूज़ पर। साथ ही साथ आरएलडी से अंकुर सक्सेना है हमारे साथ। अंकुर, आपका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक एक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो सौरभ वाजपेयी हैं। सौरभ, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं आऊँगा रचित पाठक के पास। रचित, आप अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, हर बात पर कंफ्यूज और कांवड़ दोनों में आपने तुलनात्मक अध्ययन कर दिया। आप दंगा और दबंग ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कुल मिलाकर के, जिससे आप पश्चिम को साध सके। देखिए, पश्चिम में जो वो माहौल है, पश्चिम में जो जनता का रुख है, तो पश्चिम की जनता ने, पश्चिम के जाट समाज ने, पश्चिम के पश्चिम में रहने वाले हिंदू समाज के लोगों ने अखिलेश यादव जी को पूरी तरह से घेरा हुआ है। क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा उन लोगों को दी गई पूर्व में यातनाएं, अखिलेश यादव जी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी तो हिंदुओं और जाटों पर जो उन्होंने जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया था, जिस तरह से उनको जेलों में डालने का काम किया गया था, जिस तरह से उनके ऊपर खर्ची मुकदमे लगाकर उनकी आवाज को दबाने का काम किया गया था, इस विषय को लेकर के अभी वहाँ की जनता, वहाँ का जाट समाज, वहाँ का हिंदू समाज अभी उस पीड़ा को भूला नहीं है, और उस पीड़ा को लेकर वो आज भी उनके सीने में है। और उस चीज को लेकर अखिलेश जी अपने पूरी तरह वहाँ से पश्चिम के चुनाव में पूरी तरह हार रहे हैं, और अखिलेश जी को वहाँ की जनता पूरी तरह से जवाब देने का मन बना चुकी है। अच्छा, ठीक है, हमारे साथ अभिषेक गुप्ता है समाजवादी पार्टी से। क्या जनता वाकई में जवाब देने का मन बना चुकी है अभिषेक जी? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जनता जवाब देने का मन बना चुकी है। जो सरकार ने, केंद्र और प्रदेश की सरकार ने मिलकर के पश्चिम के किसानों का दमन किया है, महीनों सालों के हिसाब से किसान अपनी बात को रखने के लिए, सरकार से मनवाने के लिए धरने पर बैठे रहे, हजार सैकड़ों की तादाद में किसान मर गए, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं किया, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। तो किसानों को आज मौका मिला है, बात करने की कोशिश कर रहे थे अभिषेक, लेकिन उसका निष्कर्ष तो नहीं निकला। क्या निष्कर्ष? किसान अपनी मांगों पर लड़े रहे, किसान अपनी मांगों, आप उनकी बात को उनको मनवाने पे सक्षम नहीं नजर आए। तो किसानों का मौका आया है, 5 साल बाद अब वोट के जरिए वो जनता, वो किसान, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान इस सरकार को जवाब देने जा रहा है कि आपने किसान भाइयों को सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया। सालों से बात आप हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, हम लोग संघर्ष करते रहे सरकार को अपनी बात बताने के लिए, मनवाने के लिए, सुनाने के लिए परेशान होते रहे, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात, ऐसी यातनाओं को झेलते रहे, कितने किसान मर गए। आज उनको मौका मिला है, वोट के जरिए वो अपनी ताकत को दिखाने का काम करेंगे। इसी कारण भाजपा घबराई हुई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने पूरी ताकत झोंकने का काम किया, अनर्गल बयान दे रही है, क्योंकि उसके पास मुद्दे नहीं है, विकास का मुद्दा नहीं है, किसानों के हित में उन्होंने क्या किया, ऐसे उनके पास कोई एजेंडे नहीं है। अरे देखिए, लाखों किसानों ने एक छोटे से मुद्दे MSP की मांग, सरकार उस मुद्दे पे साल भर, 1.5 साल तक संघर्ष कराती रही, और उसके बाद मांगी, बात मानी, और किसानों को बताया कि भाई हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद फिर सरकार अपनी बात से मुकर गई। तो ये देख रहा है, ये सरकार, किसान देख रहे हैं, किसान भाई देख रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, कितना अंतर है, और अब की बार वो जवाब देने जा रही है। अब की बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साथ होने जा रहा है। चलिए, मेरे साथ आरएलडी प्रवक्ता हैं अंकुर सक्सेना, उनका रुख करूंगा। अंकुर, पिछली बार किसानों ने, दलितों ने, जनता ने बीजेपी को बहुत प्यार दिया, दिल खोल कर वोट दिए, जिससे 109 सीटें मिली थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में 136 में से। इस बार जो पहले फेज में
58 सीटों पर चुनाव होना है 11 जिलों की, वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आती है। इस बार पारा फिर चढ़ा हुआ है और दिन पर दिन पारा चढ़ रहा है क्योंकि सिर्फ 3 दिन बचे हैं पहले फेज में वोटिंग के लिए। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, किसानों का रुख क्या है? हालांकि आप तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन किसान का रुख क्या है और इस पर आपको क्या लग रहा है कि क्या किसान समाजवादी पार्टी और आपको पसंद करेगा? क्योंकि पिछली बार इन सभी सीटों की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी और 1 सीट आपके खाते में आई थी। लग रहा अंकुर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, हम अंकुर का रुख करेंगे। उससे पहले हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं सौरभ वाजपेयी, उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ, राजनीतिक लिहाज से पहला फेज बहुत जरूरी है क्योंकि पहले ओवर में अगर अच्छी बैटिंग हो जाएगी, जब या यूं कह लें पहले पावर प्ले में अच्छी बैटिंग हो जाएगी तो आगे जीत का रुख तय करने में आसानी होती है। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप जरा ये बताइएगा, वहां पर 18-20% वहां पर किसान है, जाट है, लगभग 30% मुस्लिम है, 25% दलित है, बाकी अन्य में आ जाते हैं। क्या लग रहा है आपको कि ऊंट किस कारण है? क्योंकि 2017 में जब भाजपा के स्टार प्रचारक है वो जब बनने की बात करते हैं वो कभी हिंदू या हिंदू जैसे शब्द में इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पर अभी भाजपा का जो इस्तेमाल किया है। देखो जब दंगा होता है तो दंगे से दोनों पक्षों को नुकसान होता है, सबको लगता है कि ऐसा नहीं होता है कि हिंदू या मुसलमान हो तो किसी की दुकान खुलेगी, किसी वर्ग की दुकान खुलेगी। तो भाजपा को और यहाँ पर बात रही पिछला रिकॉर्ड जो हारने की, तो जो पिछला रिकॉर्ड था वो एक बेहतरीन, एक तो मोदी लहर का फायदा नहीं था, दूसरा जो सपा सरकार के खिलाफ जो दंगों का गुस्सा था उनसे नाराज होकर की जनता ने खुले दिल से भाजपा को वोट दिया। एक बात तो तय है कि जो अभी चुनाव होता है जो दो चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव है उसमें निश्चित तौर पर भाजपा की कुछ सीटें तो कम होगी, लेकिन भाजपा की सीट कितनी कम हो जाए कि वह अपने जो जादू यात्रा है वहां तक पहुंचने में उसको दिक्कत हो जाए या पहली बैटिंग खराब हो जाए जो हमने पहले पावर प्ले की बात की, ऐसा तो मुश्किल लगता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ अभिषेक गुप्ता है समाजवादी पार्टी से, उनका रुख करूंगा। अभिषेक, पिछली बार की बात की योगी जी ने कई बार अपने भाषणों में कहा, जनसभा को संबोधित करते उन्होंने कहा कि 700 दंगे हुए थे आपके राज्य में, और ऐसे में मुजफ्फरनगर का जो दंगा था, कैराना से जो लोगों का पलायन का मुद्दा था, हिंदू लोगों ने अपने घरों के बाहर लिख दिया था कि ये घर बिकाऊ है, हम यहाँ इस माहौल में नहीं रह सकते हैं, उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था पश्चिम उत्तर प्रदेश में। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, एक बार फिर से क्या वोटों का ध्रुवीकरण हो पाएगा? क्योंकि आप भी मुस्लिम ध्रुवीकरण की ओर रुख करते हैं, देखिए वही बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का रुख। देखिए हम लोग कोई ध्रुवीकरण नहीं करते हैं जी, ध्रुवीकरण करने का मतलब हम किसी वर्ग विशेष को पोलराइज वोट की तरफ अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कोई ऐसा धार्मिक उत्पात नहीं फैलाने का काम करते हैं जिससे जो राजनीति के उद्देश्य गलत हो। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 5 साल में समाजवादी की सरकार रही, हाँ। सरकार की कुछ नीतियों से वहाँ के लोग किसान कुछ नाराज हुए जिस कारण बस हम लोगों को वहाँ पे नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने 5 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को देखा, उनको लगा कि ये समाजवादी पार्टी तो कम से कम हमारी बात सुनने और समझने के लिए तैयार थी और जो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब हम लोग धरने आंदोलन करते हैं, आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को, ज्ञापन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात में, तो बात मान ली गई किसानों की, क्या बात मान ली गई, वापस ले लिया और ये कह दिया गया कि गलती हो गई हमसे, नहीं नहीं हम शायद किसानों को समझाने, क्या 700 लोग जो मर गया उनके मान लेने से क्या उसकी भरपाई हो सकती है, क्या उन किसानों को मुआवजा देने के लिए सरकार ने कोई अपना कदम उठाया? दूसरी बात ये बताइए कि MSP वाला मुद्दा तो आज दिन तक निस्तारण नहीं हुआ, क्या उसमें इनका कहना है? समाज भारतीय जनता पार्टी ने MSP को लेकर जो किसान की एक विशेष मांग थी उस पर उन्होंने क्या किया? बीजेपी तो यही कहती है आप ही इस मुद्दे को हवा देते, अफवाह फैलाते कि MSP नहीं मिलेगा, MSP बंद हो जाएगा।
किसान जो बैठे हैं वो समाजवादी पार्टी के किसान नहीं हैं, वो आम जनमानस के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के लोगों को अन्न का अन्न पैदा करते हैं और अन्न देने का काम करते हैं, अन्नदाता हैं उत्तर प्रदेश के। और अगर उन लोगों को आप आरोप लगाते किसी पार्टी या वर्ग विशेष से जोड़ते हैं, ये आपकी जो है एक तरीके से नाकारा सोच है। मुझे लगता है कि आप अपनी जो नाकामियों को छुपाने के लिए गलत गलत एजेंडे फैलाते हैं, और सरकार अपनी सरकार के द्वारा जो किए गए आपने क्या कार्य किया मैं जानना चाहता हूं। अगर आपने अच्छे कार्य किए होते तो आज आपको पूरी ताकत नहीं लगानी पड़ती, किसान आंदोलन पर नहीं होता, धरने पर नहीं होता, आप ही के वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। दर्शकों को भी समझाइए जी जी, अगर 2017 के बाद 2019 तक उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो विधानसभाएं जिले हैं उनके लिए अगर काम नहीं किया होता तो 2019 में कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है? मतलब कुल मिलाकर के वहाँ किसान उनको प्यार करते हैं और 2019 में एक बार फिर से सरकार बनती है केंद्र में बीजेपी की, ये समझाने की जरा कोशिश कीजिए, फिर आपके सहयोगी का रुख करना मुझे। जैसे जैसे हम आज सरकार बना के आए तो हम ये कहते हैं कि भाई आज हमारी 2022 में सरकार बनी है, हमको 2 साल का मौका दीजिए, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास को इम्प्लीमेंट होने पे हमको साल भर का समय और लगता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के 2 साल बाद चुनाव हो गए लोकसभा के, तो उस कारणवश इन्होंने ये कहा कि भाई हमको अभी मौका नहीं मिला, हमको 2 साल मिले हैं, 1.5 साल मिले हैं काम करने के लिए, हम अभी आप हमको और मौका दीजिए तो हम काम करेंगे। इस पे जनता चूंकि उस पे इन पे विश्वास करके इनके साथ खड़ी हुई, इस कारण इनका थोड़ा सा जनमत बढ़ा, लेकिन इन्होंने 5 सालों में जनता को कुछ नहीं दिया और जनता को निराशा हाथ लगी, तो इस कारणवश मुझे लगता है कि किसान इनसे बहुत नाराज है। जैसे इनके केंद्रीय मंत्री हैं, मुझे आपके सहयोगी का रुख करना है, मैं आपके पास आता हूं, चलिए मैं आपके पास अभी आता हूं। आरएलडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं अंकुर सक्सेना। अंकुर, मैंने आपको 58 सीटों का पूरा आंकड़ा बताया, गणित बताया कि पिछली बार ये स्थिति थी 2017 में, 58 में एक आपको मिली थी, 2 सपा 2 बसपा और 53 बीजेपी को, इस बार क्या स्थिति रहने वाली है? कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है क्योंकि आपसे तकनीकी खामी के चलते मैं जुड़ नहीं पाया था पहले। जी जी ओम जी, सबसे बड़ी बात ये है जी कि इस बार जो आंकड़ा रहेगा, हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता चूंकि पश्चिम से शुरुआत हो रही है जी, तो वैसे देखा जाए तो हमेशा सूर्यास्त जो होता है वो पश्चिम में होता है, और भारतीय जनता पार्टी का भी जो सूर्यास्त होने जा रहा है वो पश्चिम में ही होने जा रहा है, और उत्तर प्रदेश की जनता एक नए सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रही है। निश्चित मान के चलिए 58 सीटों में आप ये मान के चलिए 50+ सीटों पे भारतीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ अपने कैंडिडेट्स को ऐतिहासिक विजय कराने की ओर अग्रसर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को क्षेत्र में जाने के लिए आम जनमानस के बीच में वो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, आप सभी आप ही जैसे सम्मानित न्यूज चैनलों पर आप वीडियो देख रहे हैं लगातार कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही है उस कार्यशैली से आम जनमानस इतना ज्यादा नाराज रहा है कि वो अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। भाई वहां पर आप देखिए जो वीडियो वायरल हो रहे हैं तो उसमें जो ग्रामीण परिवेश के लोग रहते हैं तो ऐसी रचित मैं आपके पास आऊंगा, अभी अंकुर को अपनी बात पूरी कर ले दीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी की यही नीति रीति और चाल चलित रहे की अपनी ये आलोचना और समालोचना जो की राजनीति में एक बड़ी अच्छी कार्यशैली मानी जाती है ये लोग सुनने की क्षमता ही नहीं रख रहे हैं। इनका यही अहम तो पश्चिम में जो 11 जिलों में 58 सीटों में 10 तारीख को वोटिंग होने जा रही है अहम पर पहला प्रहार होगा, इनको इस बात का आभार दे दिया प्रदेश में कि अब खेला हो गए खदेड़ा हो गए और अब इनका अंत हो गया। रचित मैं आपके पास आऊंगा, मुझे ब्रेक पे जाना है। तो कुल मिलाकर के पश्चिम का पारा हाई है, जो सियासी चाले हैं वो हर पार्टी चल रही है, समाजवादी पार्टी प्लस और बीजेपी प्लस, ये दोनों ही टक्कर में नजर आ रही है। हालांकि इस वक्त की जो स्थिति है, हालांकि अब बसपा सुप्रीमो भी जनसभाएं कर रही हैं, देखने वाली बात होगी क्या होगी, लेकिन पश्चिम का पारा बढ़ चुका है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर, आप देखते रहिए सीधा सवाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, हम लगातार सीधा सवाल में यही बात उठा रहे हैं, यही बात कर रहे हैं कि पश्चिम का चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, और ऐसे में पीएम और सीएम की जो रैली होती है, पीएम वर्चुअल रैली करते हैं, सीएम पहुंचते हैं मंच पर, और ऐसे में जिस तरीके की रैली के बाद मंच से निशाना साधा जाता है समाजवादी पार्टी पर, वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, क्योंकि पहले फेज में 58 सीटों पर चुनाव होने हैं, पिछली बार 53 मिली थी बीजेपी को और 2 समाजवादी पार्टी को, 1 आरएलडी को और 2 बसपा को, इस बार देखना होगा क्या होगा। ब्रेक से पहले जो हमारे साथ आरएलडी प्रवक्ता हैं अंकुर सक्सेना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी प्लस को सीटें
ज्यादा मिलने वाली है। रचित पाठक काउंटर कीजिए, और आप इस चीज का जवाब देना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। किसानों पर जब पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करती है तो कुछ हद तक पार्टी की मानसिकता उसी से क्लियर हो जाती है। समाजवादी पार्टी ने कितने किसान नेताओं को पश्चिम में टिकट दिया? समाजवादी पार्टी ने वहां टिकट पता किसको दिया? जो लोग 2013 में जांच संघों के आरोपी रहे, जिन लोगों ने कैराना पलायन के जो लोग आरोपी रहे, जिन लोगों ने कैराना से हमारे हिंदू और जाट भाइयों का पलायन करवाया, जिन लोगों ने वहाँ पे जाटों का कत्लेआम मचाया, चाहे वो असलम चौधरी हो चाहे नाहिद हसन हो, ऐसे अपराधियों को उन्होंने टिकट देकर अपनी मानसिकता को पूरी तरह से जनता के बीच में बता दिया है कि आगे अगर मेरी सरकार बनती है तो हम लोग किन लोगों के पक्ष में खड़े हों। अब आपने वहाँ पे माननीय योगी जी की, माननीय मोदी जी की लोकप्रियता को जिस तरह से वहाँ के प्रत्याशी जब इनके घोषित हुए जनता के बीच में गए, जब वहाँ की जनता के द्वारा इन लोगों को भगाया गया वहाँ से, जब जनता के द्वारा इन लोगों ने जनता का रुख देखा, उसके बाद वहाँ से कितने इनके जो इनकी गठबंधन के प्रत्याशी थे उन्होंने टिकट को वापस किया, चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ये जनता का, जब वहाँ पे जनता का रुझान, जनता की भारतीय जनता पार्टी के जो विश्वास है उसको देख करके ये सारी चीजें आई। अब दूसरा विषय आता है कि ये इन्होंने जो कहा कि वहाँ पे हमारे गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं, और बहुत देखिए वहाँ पे अभी असलम चौधरी जी ने एक उनका आज और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम लोगों की संख्या यहाँ पर 90,000 है, जाटों की संख्या यहाँ पर 24,000 है, अगर इन्होंने वोट नहीं दिया तो इनका अंजाम ठीक नहीं होगा। जिस तरह से खुलेआम ये लोग धमकियां दे रहे हैं, इन लोगों की मानसिकता आप समझ रहे हैं, 2013 में सगे दो भाइयों की हत्या हो जाती है, आजम खान जी जिन दो भाइयों की, जाट भाइयों की मेरे हत्या जो लोग करते हैं उन लोगों को आजम खान जी के द्वारा बचाने का काम किया जाता है, उनको जेल से छुड़ाने का काम किया जाता है, और हमारे जाट भाइयों को फर्जी मुकदमे लगाकर उनको जेलों में बंद कराया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2017 के चुनाव में अपने जाट भाइयों के बीच में पश्चिम में वोट मांगने गई थी, उन्होंने जनता से एक वादा किया था कि मेरी सरकार आएगी तो जाट भाइयों पर लगे हुए फर्जी मुकदमों को हम लोग वापस लेंगे। निश्चित रूप से 2017 के बाद सरकार आने पर हमने उन जाट भाइयों के जो फर्जी मुकदमे आजम खान के द्वारा समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा जो लगाए गए थे उन सारे मुकदमों को वापस लिया। अब दूसरा विषय आता है आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का। तो समाजवादी पार्टी के द्वारा समाजवादी की सरकार में जब हमारे जाट भाइयों पर, जहां तक कि आरएलडी को आप जानते हैं जाट समाज की वो लोग राजनीति करते हैं, जाट भाइयों पर जब वहां पे अत्याचार हो रहा था, जब जाट भाइयों का कत्लेआम हो रहा था, उनका नरसंहार हो रहा था, तब समाजवादी पार्टी और आरएलडी की पार्टी, तब आरएलडी के द्वारा उस चीज का विरोध किया गया था। आज आपने सत्ता के लालच में समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया है, क्या हमारे जाट भाई आपको माफ कर देंगे? क्या जाट भाई इस चीज को भूल जाएंगे कि समाजवादी पार्टी सरकार में किस तरह से उनका कत्लेआम किया गया था? निश्चित रूप से ये लोग सत्ता को पाने के लिए जो इन्होंने गठबंधन किया है वहाँ की जनता पूरी तरह से नकार देगी। और आप देखिएगा जिस तरह से वहाँ पर जनता का रुझान है, और जनता का आपने अभी इससे पहले जो वहाँ के एग्जिट पोल जो सर्वे आए हैं उन सर्वों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी वहां से बहुत अच्छे, बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ, बहुत ही सबसे ज्यादा प्रत्याशियों के साथ जीत कर आ रही है, और इसका मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा और आप इसको पूरी तरह से देखेंगे। अरे आप समाजवादी पार्टी के बताए कि आपने टिकट दिया वहां पे, आप तो दंगाइयों को टिकट दे रहे हो वहां पे। ठीक है, जवाब दे ले, अभिषेक जी से जवाब ले लेते हैं, फिर आता हूँ आपके पास अंकुश सक्सेना जी, आता हूँ आपके पास। आपको वहाँ हिंदू भाइयों का पलायन करवाना है, आपको वहाँ पर जाटों का कत्ल। देखिए ठीक है, अभिषेक देखिए, जब ये जवाब दे रहे थे रचित आप मुस्कुरा रहे थे, पहले तो ये बताइए दर्शकों को आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? दूसरी आप इस समाजवाद की बात, रचित भाई की बात है, हाँ, ये कैसा समाजवाद है? हमको इनके पास लगता है जैसे वोटर है, हाँ, ये वोटर को नहीं मानते हैं, ये आम जनता में हर जगह जाति धर्म और लोगों को अलग अलग भागों में बांटने का काम कर रहे हैं। मुझे इनकी बात पे हंसी आ रही है, इन्होंने पूरी अपनी डिबेट पे हर बात पे जाट। अरे भाई, जाट के अलावा वहाँ कुछ बनिया भी हैं, कुछ ठाकुर भी हैं, कुछ अल्पसंख्यक भी हैं, कुछ दलित भी हैं, ये उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये केवल एक वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं। इनको जो है अपनी राजनीति में केवल यही करना आता है, ये सर्व समाज की बात नहीं करते। हमको इस बात पे हंसी आ रही थी
कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये कह रहे हैं जाटों का उत्पीड़न हुआ, ठीक है, इनको लग रहा है कि इस पे क्या वहां पे दलित जो हैं उनका उत्पीड़न नहीं हुआ, इनके लिए कोई मतलब ही नहीं है, ये वर्ग विशेष की बात करते हैं। देखिए देखिए देखिए, ऐसा है, अगर आप सर्व समाज को लेकर के आप सुन लीजिए रचित जी, आपने जब अपनी बात कही तब मैं नहीं बोला, आप मेरी बात सुनने का काम करिए। देखिए ऐसा है, देखिए सुन लीजिए, हमारे लिए सर्व समाज बराबर है, ठीक है, हमारे लिए सर्व समाज बराबर है, हम देखिए हम जाते गुज्जर है उनको भी सम्मान देते हैं, हम वहां पे जो दलित समाज है हम उसको भी सम्मान देने का काम करते हैं, आप जाति धर्म में बांटने का काम करते हैं। आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, आपके पास कोई योजना नहीं है, आपके केंद्रीय मंत्री किसानों के ऊपर, केंद्रीय मंत्री का लड़का किसानों पर गाड़ी चला देता है, तो उसमें कौन था, क्या क्या सारे खाली जाट थे या गुजर थे या कौन वर्ग के लोग थे आपके पास, उसमें तो आम आदमी किसान था, चाहे ना वो जाट था, ना वो गुजर था, ना दलित था, ना कोई ब्राह्मण था, उसमें ऐसे लोग जो सरकार की नीचे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, इसी कारण आपके डिप्टी सीएम वहां दौरा करने जा रहे थे, किसानों ने विरोध किया तो आपने विरोध को कुचलने के लिए उनके ऊपर गाड़ी चला दी। आपके आता हूँ रचित, आपके पास आता हूँ, प्रधानमंत्री बात पूरी करने दीजिए, ऐसा ना अभिषेक को, आपके केंद्रीय मंत्री, आपके प्रधानमंत्री, आप किसी ने उस पर बस एक फॉर्मेलिटी कर दी कि उस लड़के को क्या, पहले तो छुपाने का प्रयास किया, जब जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया तब आपने उसको छुपाने के लिए उनके लड़के के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। आप ये बताइए, गृह मंत्री का बेटा जिसके ऊपर मुकदमा लिखता है, क्या लगता है कि अगर शहर का कोई एक पॉलिटिकल नेता होता है, या हम कहते हैं कभी कभी पुलिस, जब कोई पुलिस किसी आरोप में आरोपित होती है तो क्या संबंधित थाने से या उस शहर के इंस्पेक्टर से जांच कराई जाती है? केंद्रीय मंत्री का लड़का अगर कोई आरोप किसी घटनाक्रम में आरोपित है तो क्या लगता है कि उसके केंद्रीय मंत्री रहते भाई जनता को या किसानों को न्याय मिलेगा? मैं जानना चाहता हूँ, अगर नहीं मिलता काउंटर कीजिए, जवाब दीजिए, ठीक नहीं है। किस पार्टी की सरकार में हुई थी, किस पार्टी के पाले हुए गुंडे के द्वारा इन दोनों लोगों की हत्या करवाई गई थी? आपकी सरकार के विधायकों को सरेआम सड़कों पर मार दिया जाता है, आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार में कश्मीर गाय की हत्या हुई थी या नहीं हुई थी बताइए अभिषेक जी? आपकी सरकार में सड़क के ऊपर विधायक राजू पाल की हत्या नहीं हुई थी आप बताइए? आपके पास बताइए, आप देखिए पूरी बात करने दीजिए, बताइए अभिषेक जी, कृष्णानंद राय जी की हत्या मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी के वो थे या नहीं? किस दौर में, 90 के दशक में पहुंच गए रचित, कहां पहुंच गए? ये इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के कार्यकाल में हुई थी, तो जवाब दे किसकी है? राजीव गांधी की हत्या किसके कार्यकाल में हुई थी, कौन जवाब दे? रचित जी बात को घुमाने का प्रयास नहीं करिए, जनता पे बात करिए। अभिषेक आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अभिषेक जी को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, पश्चिम में हमारे जाट भाइयों को अपने घरों में घुसने इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये आपसे बात पूरी करने दीजिए, इनको बात पूरी करने दीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए इन्हीं सब चीजों को लेकर। 2017 के चुनाव में पश्चिम की जनता ने आपको वहां से उखाड़ फेंका था, और निश्चित रूप से रिजल्ट आने दीजिए, इस बार भी जनता का मन है इनके पास कोई क्वेश्चन, इनके पास कोई जवाब नहीं है, बस इनकी एक रटी रटाई बातें हैं, शर्म आनी चाहिए आपके पास, आपकी सरकार है, शर्म हमको आनी चाहिए, पता नहीं कौन सी बात करते हैं। चलिए आपके सहयोगी हैं आरएलडी से, अंकुर जी आपके पास आऊंगा, ये मेरा कानून वो आपका कानून, मतलब एक दूसरे के कानून, यानी एक दूसरे के कार्यकाल की चर्चा कर रहे हैं, ये 1990 के दशक में पहुंच गए कृष्णानंद राय, ये मतलब क्या कुछ है, मतलब क्या एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से ही क्या वोट मिलेगा? तो कीचड़ उछालते रहिए, क्या विकास और असल मुद्दों की बातें पीछे रह जाती हैं? बिल्कुल रह गई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछालना कहाँ तक सही है? जी एक बहुत छोटी सी बात कहूंगा, जब मैं बोलूं तो कृपया इंटरप्शन ना करें, क्योंकि मैं भी इंटरप्शन नहीं करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि महोदय हैं, ये महोदय लगता है शीशा नहीं देखते, ये आईना देखने का काम ही नहीं करते, इनको आईना देखना नहीं पसंद है, ठीक बात है, ये सिर्फ वो चीज देखते हैं जो ट्रांसपेरेंट होती है, ये आईने की एक तरफ देखते हैं, इनको दूसरी तरफ का आवाज ही नहीं होता है। आपने बोला
आप कह रहे हो अपराधियों को टिकट दे रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे हैं हम लोग अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। अरे मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी में तो अपराधी गृह मंत्री के पद पे बने हुए हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर 26 से ज्यादा मुकदमे थे, उनने 2017 के एफिडेविट में इस बात को मेंशन किया गया है कि उनके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे 2022 में वो बिल्कुल गंगा जल के नहा के निकला है। ठीक बात है, सुनिए अजित जी, आप बात सुनिए, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप बड़े प्रेम से एक बात आपको और बताऊं, मुजफ्फरनगर में जिस दंगे का नाम आप मुजफ्फरनगर में दे रहे हैं, मुझे 100% पता है उन दो बच्चों का आपको नाम नहीं पता होगा कि किनके ऊपर मर्डर हुआ था और क्या मामला था। ठीक है, उनके परिवार, सचिन नाम था, मैं आपको बताए दे रहा हूँ, उनके परिवार जनों ने बकायदा तो एक स्टेटमेंट दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा भड़काने का काम किया, हम लोगों को लोगों से कोई मतलब नहीं है, इनने हम लोगों के लिए संघर्ष कराया है और पतन की राह पे भारतीय जनता पार्टी ले गई है। अब तीसरी बात आपको स्पष्ट कर दूं, आप जो बात कह रहे हो अपराधी अपराधी अपराधी, मेरे भाई आप यहाँ बैठे हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हो, कोई सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, कोर्ट या सीजीएम नहीं हो, और ना किसी व्यक्ति के ऊपर अभी कोई आरोप साबित हो गया है। जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता है, वो दोषी नहीं हो जाता, तब तक आप इसको अपराधी नहीं कह सकते, वो केवल आरोप ही करता है। ऐसी स्थिति में आपको किसी के ऊपर अपराधी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इलेक्शन, हमारे यहाँ जो इलेक्शन संवैधानिक तंत्र है, उसी इलेक्शन इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति दोषित होता, दो साल से ज्यादा का पनिशमेंट होता, तो ऑटोमेटिक वो इलेक्शन लड़ने की स्थिति में नहीं होता है। आप किस भाषा से हिंदू को आप जाट 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 चिल्ला हो, मेरे भाई जाट ही होता है हर बंदा। राष्ट्रीय लोकदल ने जिनका साथ दिया है वो लोग किसान भाई है, हम लोग किसानों की राजनीति करते हैं, उनके मुद्दे पे हम लोग आगे बढ़े और आज ही नहीं आगे भी हम लोग किसानों के लिए सदैव खड़े रहेंगे। आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, बहुत प्रेम से आपको एक बात ये भी बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना कि पश्चिम ने राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन गलत है। मेरे भाई अभी 4-5 दिन पहले आपके माननीय तो काल चार से अमित शाह जी की तरफ से खुले चैनल पे ये कहा गया है और खुला आमंत्रण खुले दिल से दिया गया था कि हमारे चौधरी जयंत सिंह जी ठीक है, इनके साथ आ जाते तो नहा लेते गंगा जल से, इनके साथ आ जाते तो गंगा जल से नहा लेते, इनके साथ नहीं आते नहाने में चले गया है। सौरभ, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की राजनीति कब तक होती रहेगी और कब तक इससे वोट मांगने की जो प्रक्रिया वो चलती रहेगी, और क्या एक दूसरे के प्रत्याशियों पर उंगली उठाने से ही क्या अब चुनाव जीते जाएंगे, ये राजनीति का कौन सा स्तर है? नहीं है जी, ये राजनीति का स्तर नहीं है, ये विकास की हम लोग 90 और भूगर्भ काल में पहुंच जाते आ रहे, हम तो ये कह रहे हैं अंकुर अंकुर मेरा प्रश्न जो है वो सौरभ से है, प्लीज। ठीक जी सौरभ, कम शब्द देखिए ओनली एमवाई समीकरण सामने वाले अगर किसी दूसरी पार्टी पर इतना आरोप लगाते हैं कि वह इश्तार है, हिंदू की बात कर रहे हैं, तो अपने आप में मजाक है। आज अगर सपा आरएलडी के साथ है तो हर कोई जानता है जाट वोट साधने के लिए ही है। दूसरी बात, आप चाहे मुलायम जी के शासन से ले लीजिए, चाहे अखिलेश यादव जी का शासन काल ले लीजिए, जनता को पता है कि जब भी सपा सरकार आती है तो कहीं ना कहीं अपराध बढ़ता है। और अभी अंकुर जी कह रहे थे कि जो दंगे हुए उसको भाजपा ने फड़काया, तो देखिए अगर सपा अगर सत्ता में है और एक विरोधी दल उस वक्त भाजपा बहुत ही छोटा दल हुआ करता था, 50 के आसपास सीटें थी, अगर 50 के आसपास सीटें रहते हुए भाजपा सपा शासनकाल में दंगे पहुंचा सकती है और उसके अपने शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ, ठीक है अंकुर, आप आपत्ति जता सकते हैं लेकिन उनको अपनी बात पूरी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक ठीक सौरभ जल्दी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। समाजवादी पार्टी बार बार किसानों की बात करती है तो दिल्ली में जो किसान आंदोलन हुआ 1 साल से ज्यादा जो चला और जिसमें 700 किसानों की मौत हुई, तो ये मौत हुई इसमें क्या किसी भी केंद्र सरकार के बल, सैनिक के हाथ सैनिक बल या किसी राज्य सरकार के पुलिस द्वारा फायरिंग से कोई भी आदमी मरा? ये और वहां पर जो कहते हैं कि किसान की हालत में वहां पर प्रदर्शन कर रहा था तो सबको पता है ना, टीवी चैनल के माध्यम से सामने आया कि किस तरह से तंबू बनाए गए थे, जिम डीजे लाइट एसी तक की सारी व्यवस्था थी और उस आंदोलन में यूपी का कितना ठीक है सौरभ, पंजाब का कितना हिस्सा ठीक है सौरभ, ये आम आदमी जानता है और कहीं ना कहीं इसको वोट करते हैं होगा उसके मन में। ठीक है सौरभ, अभिषेक जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे वाइंड अप करना है। देखिए जैसे आपने बात कही कि किसानों की
जो वहाँ पे तंबू लगा के गए। जब हम लोग कोई बड़ा आंदोलन करते हैं, कोई भी राजनीतिक दल जब आंदोलन करता है तो ये कहता है एक 3 घंटे का धरना होता है, 24 घंटे का धरना होता है, अनिश्चितकालीन धरना होता है जब तक हमारी बातों को मान नहीं लिया जाता है। किसानों को लगा कि सरकार हमारी बात इतनी जल्दी नहीं मानेगी, इसलिए उसने व्यवस्थित रूप से अपने आप को किया मानसिक रूप से कि भाई हमको 15 दिन 10 दिन बैठना पड़ेगा। हाँ, तो ठीक है ना, उन्होंने तंबू लगाया। अब वो धरने से उठ के क्या, अगर उसको अब उसको अगर खाना होगा, उसको नहाना होगा या उसको कुछ भी अपनी क्रिया करनी होगी, लेकिन क्या करेगा। लेकिन अभिषेक ये भी ठीक नहीं है कि एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाए, उससे उससे देखिए ऐसा नहीं होगा। कीचड़ सबसे सबके लिए कीचड़ी होगा, ऐसा नहीं है कि उनके लिए कीचड़ नहीं फूल हो जाएगा और आपके लिए कीचड़ रह जाएगा। ऐसी बात नहीं की जो कीचड़ उछालने ऐसी बात की जाती है, ऐसी बयानबाजी हुई। आप बता दें, अच्छा आप ये बताइए कौन सी कीचड़ उछालने की। चिलम जी भी कह देते हैं आपकी पार्टी के अध्यक्ष, चिलम जी भी कह देते हैं। उधर से बात होती है जिन्नावादी सोच, तमंचेवादी। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से क्या की बात, पारा इतना ज्यादा चढ़ जाता है पश्चिम का पारा। हमारे हाँ, मैं किसी मैंने इतनी उसमें ठीक है। अभिषेक हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, वक्त इतना ही था। रचित पाठक आपका शुक्रिया, अंकुर सक्सेना जी आपका भी शुक्रिया, सौरभ वाजपेयी जी आपका भी शुक्रिया जी। वक्त इतना ही था मेरे पास सीधा सवाल में। कुल मिलाकर के पश्चिम का जो पारा है वो चढ़ गया है। प्रथम जो फेस है यानी फर्स्ट फेस के जो चुनाव हैं वो 10 फरवरी को होने हैं, 2 दिन बाद। और ऐसे में बयानों का दौर शुरू है, रैलियां चल रही हैं, वर्चुअल रैलियां चल रही हैं और उसमें ज़ोर शोर से अपने कामों को दिखाने की बात हो रही है। हर कोई एक दूसरे पर चुनावी तीर चला रहा है, किसके तरकश में कितने तीर हैं। कभी कभी कुछ जो नेता है वो कीचड़ भी उछाल देते हैं एक दूसरे पर, एक दूसरे को आरोपी बता देते हैं कि इन पर यह आरोप लगाया और इस पर मुकदमा चल रहा है, और एक दूसरे को कुल मिलाकर के घेरने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम का पारा चढ़ चुका है, देखना होगा कि 10 फरवरी को जब वोटिंग होगी तो कितने प्रतिशत मतदान होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सीधा सवाल में इतना ही, आप देखते रहिए GMD न्यूज। मैं कहती हूँ महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMDNewsFlash।